Hello, assalamu alaikum everyone. This is Sufyan Maiman, your counselor. Welcome back to my channel. Dear students, आज की वीडियो बड़ी important है. आज की इस वीडियो के अंदर उन students को benefit होने जा रहा है जो America फॉर्म देख रहे हैं. तो वो students जो इस वक्त currently अपनी university के अंदर हैं, like they are undergraduate students, so they can get benefit from today's video. So first of all, I would like everyone to subscribe the channel and don't forget to press the bell icon button. ठीक है? तो जी the very important part of this video is the fully funded scholarship and this is the one semester exchange program by USEF, the United States Education Foundation, Pakistan. So this is for 2022. ठीक है? So the students who are currently enrolled in their college or university, they can get benefit from this scholarship. This is completely free, this is fully funded, you do not need to pay anything. So guys, this is an amazing opportunity. So what do you say? So I must say, you should apply timely and fulfill the requirements and get benefit of this opportunity. This is just for one semester exchange program. So this is basically non-academic, okay? And you must be in your second or third year of your university so that you can apply. Otherwise, this will not be possible. So education USEF Pakistan जो है ये हर साल ये opportunity लेकर आता है students के लिए. तो अब ये जो अपॉर्चुनिटी है 2022 के लाइक यू हैव टू अप्लाई नाउ, ठीक है, सो दैट यू कैन अवेल दिस अपॉर्चुनिटी इन नेक्स्ट ईयर. अभी ये डिसाइडेड नहीं कि कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर आप जा रहे हैं, ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको होस्ट कर रही, दैट्स नॉट डिसाइडेड येट. इट इज़ जस्ट द अनाउंसमेंट दैट द फुली फंडेड समर एक्सचेंज प्रोग्राम, कंप्लीट वन सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम अपॉर्चुनिटी राइट नाउ. So let's discuss first the eligibility criteria कि कौन जा सकता है, ठीक है, eligibility criteria के अंदर कौन fulfill हो रहा है. So number one thing, you must be of 25 years old or the younger, ठीक है, number one. Second is you must be in your second or third year of your university, यानी आपकी qualification 14 या 15 साल के अंदर आनी चाहिए. So that you can apply for it, ठीक है. अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि भाई यू हैव टू कम बैक टू पाकिस्तान और आपने अपनी डिग्री कम्प्लीट करनी है पाकिस्तान से, ठीक है, वहाँ पर आपको रहना नहीं है. यू नीड टू कम्प्लीट योर डिग्री फ्रॉम पाकिस्तान. यू हैव दिस कमिटमेंट दैट यू विल कम बैक टू पाकिस्तान, ठीक है. एंड दिस इज़ नॉन एकेडमिक सेमिस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम दैट यू आर गोइंग टू अवेल. तो एलिजिबिलिटी तो हमने कवर कर लिया. देन नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इन एलिजिबिलिटी, यानी कौन नहीं जा सकता. तो वो स्टूडेंट जिनकी ड्यूअल नेशनलिटी है, ठीक है, यानी यूएस और पाकिस्तान, वो नहीं जा सकते, ठीक है. जिनके पेरेंट्स की नेशनलिटी अगर यूएस बेस्ड है वो भी नहीं जा सकते. और अगर आपने ट्रैवलिंग की है ऑलरेडी यूएस में तो उनके लिए भी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. तो ये कुछ इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं जिनको हमें कंसिडर जरूर करना है, क्योंकि इस एक्सचेंज का मकसद ये है दी लाइक पार्टनरशिप बिटवीन द यूएस एंड पाकिस्तान. यूएस वांट्स टू प्रमोट द कल्चर, ठीक है, दे वांट टू क्रिएट अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड द यूनाइटेड स्टेट. तो ये एक समझ लें कि एक नेशनल लेवल पे ये काम हो रहा है, ठीक है. तो इसलिए सिर्फ उनको बेनिफिट करने जा रहा है जिनकी नेशनलिटी पाकिस्तानी है, ठीक है. And another very important thing, the girls and women should apply, KPK student should apply, disabled student also apply, there will be higher opportunity for them, यानी उनके chances ज़्यादा हैं, तो उनको benefit थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है. तो अब हम बात करते हैं grant benefits की, यानी इनकी grant benefits क्या हैं. तो number one is round trip जो है वो आपका free, ठीक है, यानी आपको कोई पेमेंट नहीं करनी. एयर फेयर इज फ्री, हाउसिंग जो आपकी फ्री है, ट्यूशन एंड फीस आपकी फ्री है, बुक्स एंड सप्लाईज़ के लिए आपको बजट दिया जा रहा है, आपको पॉकेट मनी के लिए बजट दिया जा रहा है, और साथ साथ आपके पास मेडिकल यानी हेल्थ इंश्योरेंस भी आपकी कवर हो जाएगी इसके अंदर.
तो ये तमाम बेनिफिट एक स्टूडेंट को मिल जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ये फुली फंडेड है, आपको कुछ भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस दिस इज द अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो आपने मस्ट अप्लाई, ठीक है, यू शुड अवेल, यू शुड एटलीस्ट ट्राई। ये एट सर्टेन पॉइंट आप एक अच्छी सी पर्सनल स्टेटमेंट ज़रूर लिखनी पड़ेगी, दैट्स कॉल्ड द मोटिवेशन लेटर ऑल्सो टू सम एक्सटेंट, ठीक है, जिसमें आप यू हैव टू प्रूव दैट दैट व्हाई डू यू वांट टू गो, ठीक है, व्हाट इज़ द पर्पस बेसिकली, ये आपको देन बताना पड़ेगा। अच्छा, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग एट दिस स्टेज, नो आईएलटीएस और टॉफल रिक्वायरमेंट इज देयर, मे बी लेटर ऑन दे विल आस्क यू फॉर द आईएलटीएस और टॉफल टेस्ट, ठीक है, आफ्टर द सिलेक्शन प्रोसेस, बट एट द इनिशियल स्टेज नो आईएलटीएस और टॉफल रिक्वायरमेंट। तो आपकी ये रिक्वायरमेंट भी सेव हो जाती है, ठीक है, यानी आप इससे भी आज़ाद हो गए। तो एक और अच्छी चीज़ मैंने आपको इसके अंदर बता दी, ठीक है। तो और अब आते हैं हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर कि एप्लीकेशन डेडलाइन क्या है। तो स्टूडेंट, दी एप्लीकेशन डेडलाइन इज अप्रैल 28, व्हिच इज गोइंग टू बी वेडनेसडे, ठीक है। सो प्लीज़ लास्ट मोमेंट पे, जो पाकिस्तानियों की आदत है हमारी कि हम आखिरी दिन अप्लाई करना शुरू करेंगे या उस वक्त करेंगे, ऐसा नहीं करना है। हमें वक्त से पहले सारी चीज़ें फुलफिल करनी है, एंड एवरीथिंग इज ऑनलाइन। द फॉर्म नीड्स टू बी सबमिटेड ऑनलाइन, योर रीसेंट ट्रांसक्रिप्ट इज रिक्वायर्ड एज वेल एज योर ओल्ड ट्रांसक्रिप्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, ठीक है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस एज वेल कि आपके तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो टाइमली होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, पासपोर्ट आप बनवा लीजिएगा ताकि एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम जो है आपको पासपोर्ट की डिमांड की जा सकती है, तो सब पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब अप्लाई कैसे करना है, मैंने आपको बताया, दिस इज बेसिकली द USEFP इनिशिएटिव, ठीक है, एजुकेशन USA, USEFP यूनाइटेड स्टेट एजुकेशन फाउंडेशन पाकिस्तान का इसके साथ कोलैबोरेशन है। तो उन्हीं की वेबसाइट से आपको ये सारा प्रोसेस जो है अप्लाई करना है, ठीक है। सो द वेबसाइट इज www.usefp.org। Through this website, you can get more information, and you can apply from the same website. Another thing that that may help you is the email address. Okay, if you want to ask anything from them, so the email address is basically undergraduate@usefp.org. Okay, so this is basically the small piece of information. I really hope that this information will help you a lot. So once again, I must say, please do apply timely. This is the golden opportunity for all the students, okay, especially those who dream to go to US and they don't have the budget. So guys, this is fully funded opportunity, and you may be the lucky one. Okay, so please don't forget to subscribe my channel and press the bell icon button every time. Okay, if you haven't pressed the bell icon button, please press the bell icon button, so you will be notified my latest videos. Okay, so thank you so much.